प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अब कोई विकलांग नहीं कहा जाएगा, दिव्यांग कहा जाएगा, क्योंकि कभी भी दिव्यांग को एहसास न हो कि उसके हाथ नहीं है, उसके पास पैर नहीं है। लेकिन भारत में एक गांव ऐसा है, चित्रकूट जिले में अलहा ग्राम पंचायत में बढ़िया गांव पड़ता है, जहां पे लौकुस है जिनको ना तो अभी तक आवास मिला है, ना तो उनको शौचालय मिला, और कोई भी सुविधा, जिस तरीके से दिव्यांग लोगों को सुविधा देने की बात सरकार कहती आई है, उनको अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। लौकुस हमारे साथ हैं। कितने दिन हो गए हैं सरकार के जो अधिकारी हैं उनके पास जाते जाते और अभी तक सुविधाएं नहीं मिली? हमें तो 4-5 साल हो गए सर जाते जाते, लेकिन हमें न आवास मिल रहा है, न लेटरिंग मिल रही है, और पूर्व प्रधान जो था वो पेंशन बनवा दिया गया, तो 4-5 साल से पेंशन मिल रही है। तो ये आवास की जो बात आप कर रहे हैं, आवास के लिए पता किया आपने, क्यों नहीं मिला आपको? जी पता किया है, बाबू बता रहे हैं, पता करने जाते हैं, हम तो चल नहीं पीता पाते, तो कह रहे पास हो गई है, बस लेखपाल प्रधान सचिव तक पूछते हैं कितने दिन हो गए पास हुए। अरे ये तो 1 साल के ऊपर हो गए, 1 साल से भी पास है। हाँ, जो मोनका रानी बनी थी जब को कागज दिया है। और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं आपको सरकार की? बस ट्राईसाइकिल, बस। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि दिव्यांगों का ख्याल रखा जाएगा, और मोदी कहना सच है लेकिन कोई यहाँ सुनता नहीं है, हम जाते हैं लौट आते हैं। अच्छा, आप क्या अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से अपनी बात बोलना चाहेंगे आप? हम अपील अपनी ये करना चाहते हैं कि हमें आवास और लेटरिंग मिल जाए। हाँ जी, पढ़ाई की है आपने? 9 तक। तो 9 तक लौकुस पढ़े हैं, और लौकुस शायद सही कह रहे हैं कि मुझे इंतजार है मोदी जी से, और मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ उनसे भी इंतजार है कि वो आने वाले दिनों में जो तमाम योजनाएं इन्हें मिल रही हैं, मिलनी चाहिए, वो मिलेंगी।